OTT की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए सिनेमा कनेक्ट को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि सूर्यवंशी फिल्म OTT पर आने वाली है। अब आप सोचोगे कि डायरेक्टली OTT पर आएगी या फिर डिले होकर OTT पर आएगी। यहाँ पे बड़ी बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स खरीद लिए हैं। ये बात तो भैया अब 100% सच हो चुकी है। नेटफ्लिक्स हैज बॉट द राइट्स ऑफ सूर्यवंशी फिल्म, बट दैट सीम्स टू बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ डील। क्योंकि दो तरह की डील होती है, एक तो फिल्म डायरेक्टली रिलीज होती है जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे, एक तो वो डील होती है, और एक वो होता है कि जो थिएटर में रिलीज होने के बाद OTT प्लेटफॉर्म वाले उठाते हैं, अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स, तब वो रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये फिलहाल रियलिटी नज़र आ रही है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ। जब 25 दिसंबर 2020 को वंडर वुमन, जो ऑलरेडी 7-8 महीना 9 महीना रुक चुकी थी, जिसका बजट 1400 करोड़ के ऊपर था, फिल्म का बजट, जी हाँ दोस्तों 1400 करोड़ के ऊपर बजट था वंडर वुमन 1984 का, तो मेकर्स के पास ऑप्शन यही बचा कि ये फिल्म थिएटर में हम रिलीज करेंगे जहाँ पे 35% थिएटर खुले हैं, तो भाई हम तो लूट जाएंगे, हमको तो भीख मांगनी की नौबत आएगी। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और वो डिसाइड किया कि जिस दिन ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी वंडर वुमन 1984, उसी दिन ये फिल्म HBO Max नाम के OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। HBO Max इंडिया में नहीं है, जैसे Amazon Prime Netflix है, वैसे ही HBO एक बहुत बड़ा HBO Max ऐप है जो USA या हॉलीवुड के कई सारे हैं ना, उस साइड के फिल्में दिखाता है, उस साइड की वेब सीरीज भी दिखाता है। तो यहाँ पर बात आई होप आप समझ गए होंगे। तो सेम थिंग इज पॉसिबल फॉर सूर्यवंशी कि जिस दिन ये फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में रिलीज होगी उसी दिन ये फिल्म OTT पर भी आएगी, यानी कि अप्रैल 2, 2021। अभी तक ये सिर्फ सुझाव है, ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ सुझाव दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज तो साफ है कि जो मल्टीप्लेक्सेस ओनर्स है, सिनेपोलिस हो, आइनॉक्स हो, या फिर जो और भी है ना, PVR हो, ये सब को ना वो जो ये सब से जो बातें जो कर रहे प्रोड्यूसर्स ना रिलायंस वाले, सूर्यवंशी वाले, तो वो एक डील क्रैक नहीं हो रही है और बातें कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल पर, यानी कुछ उस पर अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पर OTT की तरफ यहाँ पे जहाँ पे थिएटर वाले बहुत कम रेवेन्यू देने की बात करें, तो वहीं जो प्रोड्यूसर्स है वो डिमांड कर रहे 65-70% तक का रेवेन्यू, जो फिलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो बड़ी अपडेट ये है कि मेकर्स का यही प्लान है कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्सेस जो चेन है पूरे इंडिया में, आइनॉक्स है, ये सब है ना, सिनेपोलिस, ये सब को छोड़कर ये फिल्म कुछ लिमिटेड जो मल्टीप्लेक्सेस है ना, जो किसी ब्रांड के नहीं, वहां पर, इसके अलावा ये फिल्म जो है सिंगल स्क्रीन थिएटर पर रीच होगी, रिलीज होगी, और उसी के साथ साथ ये फिल्म OTT पर भी आ जाएगी। तो एक या दो ऑप्शन ये डन हो सकता है, वो दो ऑप्शन क्या मैं बताता हूँ। या तो ये फिल्म उसी दिन आएगी OTT पर जिस दिन थिएटर में आ रही, तो इस फिल्म से प्रोड्यूसर की जेब में बहुत अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म का बजट मान लीजिए 200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि 180 करोड़ तो पहले ही थे, और कहा गया है इस फिल्म को 20 से 25 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है क्योंकि ये फिल्म एक साल डिले हो चुकी है ऑलरेडी। सो इन सच सिनेरियो मेकर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि इस फिल्म को जल्द से जल्द OTT पर आए, यानी कि जो मास्टर फिल्म के साथ सिनेरियो ना, मास्टर फिल्म आपको याद होगा थलापति विजय और विजय सेतुपति की, और ये जो तमिल फिल्म थी, ये फिल्म सिर्फ 16 दिनों में OTT पर आई, वो भी अमेजोन प्राइम पर, और इसके लिए इस फिल्म को कम से कम आई थिंक 35 करोड़ के ऊपर तक की डील मिली है। सो इन दैट सिनेरियो यहाँ पर भी सूर्यवंशी को इतनी छोटी डील तो मिलेगी नहीं, और अगर डायरेक्टली OTT पर आती है थिएटर के साथ साथ, तो इसको मुझे लगता है 100-150 करोड़ तक के ऊपर की डील मिल सकती है। सो दिस विल बी ए फेयर थिंग फॉर द प्रोड्यूसर टू गो फॉर दैट। सो कुल मिलाकर बात यह है, एक चीज पक्का है कि दो महीने का जो गैप होता था ना थिएटर में रिलीज होने के बाद OTT पर आने का, 2 महीने का गैप इस फिल्म के लिए तो वो नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स ये होगा कि जो मल्टीप्लेक्स चैन है वो अपनी जिद को थोड़ा कम करके बात मान ले और इस फिल्म को इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को अच्छा खासा रेवेन्यू दे, क्योंकि उनके भी तो जान में घलक में जान अटकी है ना, क्योंकि 200 करोड़ डाले पिक्चर में। तो कुल मिला के जो फिलहाल चांसेस बहुत कम है, लेकिन आने वाले मंडे या ट्यूजडे तक, यानी 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लेक्स चैन है जो बड़े बड़े आइनॉक्स, PVR वहां पर रिलीज हो रही है नहीं, कि नहीं हो रही है, और ये भी पता चल जाएगा कि ये फिल्म डायरेक्टली OTT पर तो नहीं आ रही है या फिर
थिएटर और ओटीटी पे एक ही दिन तो नहीं रिलीज हो रही है, तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी, जो भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन येस, देयर आर बिग चांसेस दैट फिल्म इज फिल्म में अराइव ऑन ओटीटी विद इन ऑन द सेम डे और मे बी इन टू और थ्री वीक्स, दैट्स फॉर श्योर।